जो भगवान विष्णु है उनको सुदर्शन चक्र की प्राप्ति भी यहीं पर हुई थी, भगवान शिव ने सुदर्शन चक्र यहीं पर दिया। जी तो और स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी जान कोटद्वार एमजे के व्लॉग्स में। तो यार कैसे आप सब लोग, मैं एकदम से बढ़िया हूँ, आई होप आप सब लोग भी बढ़िया होंगे। तो यार आप सोच रहे होंगे कि अचानक से मैं यहाँ पर कैसे पहुँच गया। तो यार सीन ऐसा है कि आज है मेरा एग्ज़ाम जो कि उसका सेंटर पड़ा हुआ है श्रीनगर में, और हम अभी इस टाइम पर है पौड़ी वाले रूट में। तो दोस्तों इस टाइम पर पहाड़ों में इतना खतरनाक कोहरा लगा हुआ है ना कि मैं क्या ही बोलूँ, मतलब बहुत ही खतरनाक कोहरा लगा है। कोटद्वार से जिस टाइम पर निकले थे अच्छी खासी मतलब धूप हो गई थी आधे रास्ते में, बट यहाँ लगभग एक घंटे से ड्राइव कर रहा हूँ और क्या ही कोहरा लगा हुआ यार, हाथ पूरे के पूरे जाम हो गए। तो अभी थोड़ा सा एक ब्रेक लेने के लिए यहाँ पे रुके हुए हैं, थोड़ा सा आग वाग जलाते हैं, हाथ ज़रा गर्म करते हैं और फिर निकलेंगे आगे के लिए। तो आज 2 बजे से मेरा एग्ज़ाम है एंड देन उसके बाद आगे का सीन भी है, वो मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या है कैसा है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और यार लाइक करिए वीडियो को, मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी जला रहे हम यहाँ पर थोड़ी सी आग ताकि हम आग हाथ सेक लें, ठंड बहुत हो रही है। 2000 years later. इस टाइम पे हम पौड़ी पहुँच चुके हैं और यहाँ से जो श्रीनगर रह गया वो करीबन 1 घंटे का रास्ता और रह गया है। और दोस्तों यहाँ पे रुकने की मेन वजह यही थी कि यहाँ पे का जो व्यू दिख रहा था ना वो आप लोगों ने देखा होगा कि कितना औसम यहाँ का व्यू है। यहाँ से जो व्यू पॉइंट है ये पौड़ी का सबसे पहला व्यू पॉइंट जहाँ से हिमालय दिखता है। तो बस हम वही कर रहे हैं, देख रहे हैं और काफ़ी बढ़िया लग रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो यार बस जुड़े रहिए मेरे साथ, आपको बहुत कुछ आज देखने को मिलने वाला है, काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सो गाइस अभी हम निकल रहे हैं श्रीनगर के लिए और श्रीनगर में हम जाने वाले कमलेश्वर महादेव, शाम को जाएंगे वहाँ। आप जुड़े रहिए, आपको वहाँ देखने को मिलेगा काफ़ी बढ़िया टेम्पल। तो बस अभी निकल रहे हैं, लेट्स गो। पहुंच चुके हैं हम श्रीनगर, बस यहाँ से थोड़ा ही रह गया है, बस पहुंचने वाले। दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ से व्यू कैसा है। रास्ता काफ़ी क्या ही बोलूँ, सर्दियों का मौसम है तो थोड़ा ठंडा तो हो गई और इस टाइम पे काफ़ी बढ़िया मौसम हो रखा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पता नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा, पीछे श्रीनगर है, आपको दिखाता हूँ मैं क्लोज से। तो फटाफट से श्रीनगर पहुँचते हैं, एग्ज़ाम देते हैं एंड उसके बाद फिर तब मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ से कैसा लग रहा है। कुछ इस तरीके का यहाँ पे व्यू है, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा श्रीनगर है, वाह बहुत ही सुंदर। 2000 years later. तो सोनी आप इतनी देर तक यहाँ पे खड़े थे तो आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया एकदम। मज़ा आ गया, प्रॉब्लम तो नहीं है? अरे बहुत प्रॉब्लम है। चलो बढ़िया है, हालत खराब हो गई। सो यार एग्ज़ाम हो चुका है एंड अब हम निकल रहे हैं कमलेश्वर महादेव मंदिर के लिए। तो आप जुड़े रहिए, आपको दिखाते हैं मंदिर, लेट्स गो। सो यार पहुंच चुके हैं कमलेश्वर मंदिर के प्रवेश द्वार में, आप देख सकते हैं यहाँ से कमलेश्वर मंदिर का द्वार है। तो चलो चलते हैं वहाँ फटाफट से, एग्ज़ाम भी अच्छा गया है और फटाफट से दर्शन करते हैं। फिर दर्शन करने के बाद सीन ऐसा है कि अभी निकल रहे हैं हम रुद्रप्रयाग के लिए, रास्ते में धारी देवी है, टाइम मिल बचा तो वो वहाँ भी जाएंगे एंड देन उसके बाद रुद्रप्रयाग को रात को स्टे करेंगे। तो चलो फटाफट से मंदिर में दर्शन करवा लेता हूँ आप लोगों को, लेट्स गो। जय माता दी।
तो यार ये मंदिर का प्रवेश द्वार है, आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी बढ़िया है, बाहर से मतलब पूरा मंदिर तक ही गाड़ी आई हुई है, तो आप लोग यहाँ आसानी से आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मंदिर कैसा है। तो यार आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है कमलेश्वर महादेव मंदिर के बारे में, जो कुछ भी है आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं इसे। तो फटाफट से आप लोगों को मंदिर दिखाते हैं, आप लोग दर्शन कीजिए और हम भी दर्शन करते हैं। देखा होगा मंदिर काफ़ी भव्य है, और यहाँ पर आके मतलब मन को काफ़ी शांति मिली, काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। तो दोस्तों इस मंदिर के पीछे की जो कहानी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि शॉर्ट में कि आखिर में हुआ क्या था। दोस्तों जिस टाइम पे भगवान रामचंद्र ने रावण का वध किया था, एंड उसके बाद वध करने के बाद भगवान राम यहाँ कमलेश्वर मंदिर में यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने क्या करते थे, वो डेली मतलब 1000 कमल के फूल लेते थे और यहाँ पर भगवान शिव को चढ़ाते थे। तो ऐसे ही करके एक दिन क्या हुआ कि भगवान शिव ने भगवान राम की परीक्षा लेनी चाहिए, तो उन्होंने परीक्षा लेते टाइम ये किया कि जब वो कमल के फूल चढ़ा रहे थे तो 999 फूल उन्होंने चढ़ा दिए थे, तो जो एक फूल बचा हुआ था तो वो भगवान शिव ने गायब कर दिया था। तो दोस्तों जब वो गायब हो गया तो उसके बाद भगवान राम को एक फूल चाहिए था, तो उन्होंने कहा कि तो उन्होंने उस टाइम पर क्या किया कि उन्होंने अपने आँखों को निकाल कर हजारों फूल के रूप में यहाँ पर चढ़ा दिया। तो ये सब कुछ देख कर भगवान शिव काफ़ी प्रसन्न हुए। और दोस्तों एक और चीज़ यहाँ से जुड़ी हुई है कि जो भगवान विष्णु है उनको सुदर्शन चक्र की प्राप्ति भी यहीं पर हुई थी, भगवान शिव ने सुदर्शन चक्र यहीं पर दिया था भगवान विष्णु को। तो दोस्तों यही कहानी थी, आई होप आप लोगों को मंदिर अच्छा लगा होगा, काफ़ी बढ़िया मंदिर है, मन को यहाँ पर काफ़ी शांति मिली। तो अभी क्या है कि अभी प्लान ये कि अभी हम जा रहे हैं रुद्रप्रयाग जाके नेक्स्ट मॉर्निंग हमें जाना है कोटेश्वर महादेव। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में अगले मंदिर के साथ। तब तक के लिए आप भी अपना ध्यान रखिए और हम भी अपना ध्यान रखते हैं। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, जय उत्तराखंड।